नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार दिवाकर सनसनी ऑफ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। सबको दहलाने वाला खुलासा, दिल्ली में रेप के मामले में सब हैरान। अपने बच्चों और महिलाओं को लेकर पूरी दिल्ली के लोग डर गए हैं। इसमें आया एक सनसनीखेज स्टिंग, बच्चियों से रेप के मामले में अरविंद केजरीवाल का हाथ। जी हां, आपने ठीक सुना, दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम अरविंद केजरीवाल का हाथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने खुद करवाया छोटी बच्चियों का रेप। हमेशा विवादित बयानों के चलते सुर्खियां बटोरने वाले और अपने आप को माता का भक्त बताने वाले ओम जी महाराज का एक ऐसा स्टिंग सामने आया है, जिसमें साफ साफ ये खुलासा किया नजर आ रहा है कि इन सभी वारदातों को बढ़ावा देने का इल्जाम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगाया जा रहा है। दरअसल ये स्टिंग ऑपरेशन सनसनी ऑफ इंडिया न्यूज टीम ने उस समय किया जब ओम जी स्वामी जी महाराज सनसनी ऑफ इंडिया हेड ऑफिस में एक प्रेस रिलीज देने के लिए आए थे। प्रेस रिलीज देने के समय स्वामी ओम जी ने हमारे पत्रकार से बातचीत में बहुत कुछ कहा, जिसे हमारी न्यूज टीम ने अपने खुफिया कैमरे में कैद कर लिया। इस बात का खुलासा ओम जी ने केजरीवाल की ओर और उनकी सरकार पर उंगली खड़ी की है। पिछले एक सप्ताह में पहले केशवपुरम में मात्र 5 साल की बच्ची का किडनैप और रेप, इसके बाद नांगलोई में मात्र 2.5 साल की बच्ची का किडनैप और रेप, इसके साथ ही आनंद विहार में भी मात्र 5 साल की बच्ची से रेप हुआ, इससे पूरी दिल्ली सन है। यदि ओम जी महाराज की माने तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वो घिनौना काम किया जिसे शायद कोई भी माफ ना करे। दिल्ली में छोटी बच्चियों से लगातार मानवता को शर्मसार करने वाले रेप हो रहे हैं और रेपों के पीछे एक हैरान करने वाली कहानी। दरअसल जाने माने महाराज ओम जी महाराज का हुआ एक स्टिंग। स्टिंग में ओम जी महाराज ने जो खुलासा किया उससे सब हैरान हैं। ओम जी महाराज ने बताया कि पिछले महीने ही इन बच्चियों के रेप की कहानी गढ़ी गई। ओम जी महाराज सनसनी ऑफ इंडिया के रिपोर्टर के कैमरे में कैद हो गए। ओम जी महाराज बता रहे हैं कि पिछले महीने ही वो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं के साथ बैठे थे और प्लान बना रहे थे कि दिल्ली पुलिस को कैसे दिल्ली सरकार के अधीन लाया जाए। तो प्लान बना तो छोटी छोटी लड़कियों के रेप की कुछ घटनाएं करवाएं, लोग ज्यादा भड़केंगे और हिंदू धर्म ही बदनाम होगा। रुके, रिमोट को हाथ ना लगाएं, बस हम लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपका मनपसंद जीवन साथी बस यहाँ मिलेगा, साथी4u.com। जो साथी4u.com पर आए, जिंदगी महक जाए। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी, बस लॉगिन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया हर रोज रात 10:30 बजे सिर्फ जस्ट खबर पर। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम सनसनी ऑफ इंडिया
हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। इसके अलावा ऑनलाइन खबरें पढ़ने या देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sansani.tv पर जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस को अपने अधीन करने की एक घिनौनी साजिश, एक शख्स ने आप नेताओं के पास बैठकर किया स्टिंग करने का दावा। युवती के रेप के बाद आंदोलन से सत्ता में आई आप पार्टी, अब इस शख्स की माने तो आप नेताओं ने प्लान बनाया कि छोटी बच्चियों का रेप करवाओ, जनता और ज्यादा भड़केगी। पिछले महीने किया गया था बच्चियों के साथ रेप का प्लान आप नेताओं की मीटिंग में, देखे पूरा खुलासा सनसनी ऑफ इंडिया के खुफिया कैमरे में कैद एक सनसनीखेज खुलासा। आज मेरा वो प्रोग्राम है ना, हमारे हिंदू महासभा के अध्यक्ष मानी सावरकर, ये हमारे परम पूज्य वीर सावरकर जी की की बेटी थी, उनका देहांत हो गया शोक सभा अंजलि सभा कल हमने रखी गई है। के बारे में कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से संवाद करने के बाद आपको बहुत दिल्ली का आपने देखा नहीं क्या हुआ सुबह से बच्चों के बलात्कार का बलात्कार कल क्या 5 बच्चियों के बलात्कार का मिटाया रात में सुना आपने? बिल्कुल सुना है, ये तो सारा साजिश है अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल का आप कैसे कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल का साजिश? अरविंद केजरीवाल का इसलिए है क्योंकि अरविंद केजरीवाल, आप ये देखिए निर्भया कांड जो हुआ था उससे अरविंद केजरीवाल बना और उसको ये चस्का लग गया कि भारत की जनता बलात्कार वाले मैटर पे बहुत जल्दी भड़कती, और अब उसने सोचा कि जब एक युवती के बलात्कार पर भारत की जनता इतनी भड़क सकती है तो बच्ची के बलात्कार पर तो और ज्यादा भड़केगी। तो ये पूरी साजिश बनी कि अरविंद केजरीवाल की टीम के जो वरिष्ठ नेता लोग हैं वो सब मेरे से मिलते रहते हैं और ये पहले से हमको ये पूरा प्लानिंग मालूम था, ये इस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं ताकि दिल्ली पुलिस को ही अपने कब्जे में ले सके। दिल्ली पुलिस इनको बलात्कार कर रही है। तो आपको वो पता था कि बच्चियों का बलात्कार करेंगे? बिल्कुल करेंगे, मुझे मालूम था, पहले से साजिश तैयार थी। और ये जो जिन लड़कों ने रामलीला के मैदान से उठाया है बलात्कार किए, ये सब आम आदमी पार्टी के लोग। आप कैसे कर सकते आम आदमी पार्टी के लोग? इसीलिए क्योंकि इनके वरिष्ठ नेताओं ने मुझे ये बात पहले कही थी कि स्वामी जी दिल्ली पुलिस ऐसे हमारे कब्जे में आने वाली नहीं है। दिल्ली पुलिस को कब्जे में लेने के लिए मतलब इतनी घिनौनी हरकत कर रही है? बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि ये तो अरविंद केजरीवाल निश्चित रूप से CIA के एजेंट हैं और उनका एक ही पर्पस है, CIA का एक ही पर्पस है कि भारत को की बर्बादी की शुरुआत दिल्ली से की जाए। आप ये देखें ना, इसमें अरविंद केजरीवाल को और CIA को डबल बेनिफिट है। एक तो ये है कि बच्ची का बलात्कार, दो दो बच्ची का बलात्कार हुआ, छोटी बच्ची का, 2.5 साल की बच्ची का, उससे एक बवाल खड़ा होगा, पब्लिक भड़केगी दिल्ली पुलिस के खिलाफ। फिर ये राजनाथ सिंह को, प्रधानमंत्री को ये ब्लैकमेल करेंगे, जैसे अभी अरविंद केजरीवाल ने बयान भी दिया है कि ये दिल्ली पुलिस की कमी है, प्रधानमंत्री की कमी है, उनके पास दिल्ली पुलिस है लेकिन उनको उनके पास वक्त नहीं है पुलिस को देखने की या उससे बात करने की। ये प्री प्लान साजिश है और इसी के साथ साथ एक तरफ तो वो दिल्ली पुलिस को बदनाम कर रहे हैं, बीजेपी सरकार को बदनाम करेंगे इस बहाने से, दूसरी तरफ क्योंकि रामलीला से बच्ची को उठाया गया है तो हिंदू धर्म बदनाम होता है। पर ओम जी महाराज से पूछा गया कि उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस को क्यों नहीं की, क्यों नहीं बच्चियों को बचाया महाराज ने, इस पर ओम जी महाराज ने कहा कि आम आदमी पार्टी वाले बोलते ज्यादा हैं, इसलिए मैंने सोचा झूठ बोल रहे हैं करेंगे नहीं, काफी बातें करते हैं सभी करते नहीं, पर अब वारदात हुई तब जाकर मेरी आंख खुली, अब मुझे याद आया। क्योंकि राम हमारे एक बार ये आप बोल रहे कि आपको पता था 2.5 साल की बच्ची के साथ ये करेंगे तो आपको तो बता देना चाहिए था पब्लिक को, आपको पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। ये हम पुलिस को इन्फॉर्म कई बार, आदमी बोलता बहुत कुछ है करे, इतनी घिनौनी हरकत करे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती।
अच्छा मतलब आपको ये था ये मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये मेरे अंदर गुस्सा पैदा करने के लिए शायद ये कह रहे हैं, आपको भड़काने के लिए कह रहे हैं, भड़काने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि मैं राष्ट्रवादी हूँ और मैं देवी भक्त हूँ, अभी भी मैं व्रत में हूँ, मैं सिर्फ जूस या जली ले रहा हूँ, आपके यहाँ भी मैं सिर्फ ये कोक ले रहा हूँ और मैं कुछ नहीं ले रहा, 9 दिन का मेरा व्रत है। तो देवी भक्त होने की वजह से यदि वो बलात्कार की बात करेंगे तो मैं भड़कूंगा, ये ऐसा उनका सोच था। लेकिन मैं और मैंने ये सोचा था कि शायद ये सिर्फ मुझे भड़का रहे कि मैं गुस्से वाला आदमी हूँ, लेकिन मैं अब जब ये घटना घटी है तो मुझे उनकी बातें सारी याद आ गई। ये तो प्री प्लान है। कितने दिन पहले बताया था इन्होंने कि मतलब कब की बात, कुछ है याद है कहाँ पर क्या बात है, किस जगह की बात है ये? जाहिर सी बात है कि मैं मीडिया वालों से मिलने के लिए दिल्ली सचिवालय में जाता रहता हूँ, अरविंद केजरीवाल के घर पे भी जाता हूँ, अरविंद केजरीवाल के नेताओं के घरों पे भी जाता हूँ, उनके पार्टी कार्यालय में भी जाता हूँ और विभिन्न फंक्शन में लोग मुझे मिलते हैं। तो ये कोई बहुत पुरानी घटना नहीं है, ये घटना सिर्फ पिछले महीने की घटना है। पिछले महीने ही कुछ वरिष्ठ नेतागण इनके बैठे हुए थे, मैं भी था, और उस चर्चा के दौरान ये बात चली। उन्होंने कहा कि स्वामी जी ये दिल्ली पुलिस हमारे कब्जे में इतने आसानी से आने वाली है नहीं, हमको कुछ ना कुछ साजिश करनी पड़ेगी। तो मैंने उनसे पूछ लिया आप क्या साजिश कर सकते हैं, आपके हाथ में कुछ है नहीं। तब उन्होंने ये प्लानिंग मुझे बताया था कि ये बच्चों के छोटे छोटे बच्चों का हम बलात्कार करवाएंगे, हमारी पुलिस है नहीं, पुलिस तो प्रधानमंत्री की है, बीजेपी की है, तो बच्ची बदनाम होगा वो दिल्ली पुलिस बदनाम होगी, सरकार को हम ब्लैकमेल करेंगे केंद्र सरकार को कि हमारे हवाले पुलिस को हम पुलिस को सीधा करके इस्तेमाल करेंगे। और रामलीला की जो भी चर्चा चल रही थी तो उन्होंने कहा कि हमारा मकसद है हिंदू धर्म को बदनाम करना। ओम जी महाराज का कहना है कि निर्भया कांड के बाद आंदोलन से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और उसी राह पर ये दूसरे काम करना चाहती है। रेप करने वाले सब लोग आम आदमी पार्टी के ही हैं और केजरीवाल CIA का एजेंट है। साथ ही केजरीवाल पर गाय का मांस तक खाने का खुलासा किया। अरविंद केजरीवाल को सोनिया गांधी ने मिलवाया था मदर टेरेसा से, उस वक्त संयोग की बात थी, मदर टेरेसा मेरी बहुत अच्छी मित्र थी, मैं भी कलकत्ता में था जब ये अरविंद केजरीवाल उनसे मिलने के लिए गए, वहां पर काम करने के लिए गए। तो मदर टेरेसा का पहला काम यही होता था किसी भी हिंदू को सबसे पहले वो गोमांस खिलाती थी और गोमांस खिला करके उनको शपथ दिलाती थी कि वो कन्वर्ट करके बैप्टिस्मा वगैरह जो भी होता करके वो तो नाम हिंदू ही रहता था, सब कुछ हिंदू रहता था लेकिन अंदर से वो ईसाई बन जाता था। और ईसाइयों में आपकी बात कर रहा हूँ, आपका कहने का मतलब ये है कि जो बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ है दिल्ली पुलिस को अपने अंडर में लेने के लिए केजरीवाल ने ये षड्यंत्र रचा सारा। केजरीवाल का पूरा साजिश है और इस केजरीवाल को ये सारा साजिश करने का सारा प्लानिंग बना करके CIA ने दिया हुआ है, केजरीवाल उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। पर्पस से कितना है कि इस देश के पुलिस को, इस देश को और इसकी संस्कृति को बदनाम करना है। और जब ये दिल्ली पुलिस केजरीवाल के कब्जे में आ जाएगा तो ये चूंकि केजरीवाल आतंकवादी है, आतंकवादी सरगना है, तो ये यहाँ पर सिर्फ क्राइम फैलाएगा इसी तरह से, जिससे कि ये देश बर्बाद। काम तो गलत ही है ना, अगर मान लो हमें तो देखो हमें तो पता नहीं है कि केजरीवाल किसका है, लेकिन आप कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा आपके पास सबूत वगैरह। निश्चित रूप से मेरे पास सबूत है तभी तो मैं बात कर रहा हूँ, आप मालूम है मेरा नेचर, शुरू से ये मेरा नेचर रहा है, जब तक मेरे पास में कोई ठोस सबूत नहीं होता तब तक मैं कोई बात नहीं करता। जैसे फॉर एग्जाम्पल 13 सितंबर को जो मैंने उस लड़की को कहा था कि तुमने अपने ससुर के ऊपर में बलात्कार का आरोप लगा करके तुमने उनका सारा जमीन जायदाद सारा हड़प लिया, परिणाम लिखवा लिया, वो सारे कागजात मेरे पास में सबूत थे, सबूत के आधार पे ही मैं कोई बात करता हूँ, अगर मैं उनकी बात करता नहीं, मैं मजाक में भी कोई बात सबूत पे नहीं करता। तो ये बात तो आपको बच्चों के साथ ऐसा हो गया तो आपको सामने आना चाहिए, बोलना चाहिए उसका, आप अभी क्यों सामने क्यों नहीं आए हो सारी चीजें? देखिए मैं तो सामने आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन लोग अरविंद केजरीवाल से इतने डरते हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई भी बात कहीं कोई कुछ देगा नहीं, इसीलिए सामने आने का कोई फायदा है नहीं। ये तो मैं ऑफ द रिकॉर्ड आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप मेरे अच्छे मित्र हैं। दुख जरूर हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल जैसे देशद्रोही इतनी बड़ी साजिश कर रहे हैं,
और मीडिया फिर भी उनको सिर पे चढ़ा करके बैठी हुई है, और उसमें मीडिया की भी गलती नहीं, अरविंद केजरीवाल का साथ सारे मीडिया नहीं दे रही, सिर्फ वही मीडिया दे रही है जिसको CIA के माध्यम से पेमेंट मिलता है, और वो कोई 2-4 रुपए में नहीं, वो करोड़ों में मिल रहा है। तो मैं ऐसी स्थिति में किसी मीडिया को यदि ये बात बताऊंगा, मेरी बात को मेरे को दिखाएंगे ना, वो सबूत है आपके पास है, तो सबूत है कि पुलिस को यदि मैं प्रोवाइड कर दूंगा तो पुलिस में एक बहुत बड़ा दुर्गुण है, दिल्ली पुलिस में को एक भ्रष्टतम पुलिस की संज्ञा दी गई है जो अभी तक का इतिहास है। पुलिस को मैं दूंगा, पुलिस अरविंद केजरीवाल को देकर के उसको बेच देगी और मुझे फंसा देगी किसी ना किसी झूठे केस में। तो सबूत किस टाइप का आपके पास में, मतलब क्या है सबूत में, सबूत के तौर पे मान लो क्या चीज उनके बातचीत कहते हैं, रिकॉर्डिंग है, बातचीत की रिकॉर्डिंग है, मतलब जिसमें प्लानिंग षड्यंत्र किया गया था कि बच्चियों के साथ, और वरिष्ठतम नेता है आम आदमी पार्टी। अच्छा, किसी एक दो का नाम बताओ। नाम तो खैर नहीं बताऊंगा मैं, वरिष्ठतम नेता से आपको अंदाजा लग ही गया होगा। ओम जी महाराज की बातों पर एक बार यकीन ना भी करें, पर जो बात ओम जी महाराज कह रहे हैं वो ही बातें अरविंद केजरीवाल रेप की घटना पर बोल रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि हम सबको मिलकर दिल्ली के अंदर ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा जिसमें हमारी बच्चियां, हमारी माँ बहनें सुरक्षित महसूस कर सकें, जो कि अभी नहीं हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, हम दिल्ली सरकार की तरफ से भी जो कुछ कर सकते हैं हम कर रहे हैं ताकि इस किस्म के हादसे ना हो, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि इसमें पुलिस को सबसे ज़्यादा, पुलिस का रोल आता है, पुलिस को जो कुछ भी हो एक ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा दिल्ली के अंदर कि सुरक्षित महसूस कर सकें सारी महिलाएं। और हम बार बार कोशिश कर रहे हैं पुलिस के साथ काम करके इसको ठीक करने के लिए, और लेकिन इसमें प्रधानमंत्री जी को पर्सनली इंटरवीन करना पड़ेगा। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती जा रही है, जी को पर्सनली इंटरवीन करना पड़ेगा। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती जा रही है और पुलिस सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी के अंडर में आती है। मैंने पहले भी अपील की थी कि प्रधानमंत्री जी हफ्ते में 10 दिन में घंटा भर निकाला करें, मुझे बुलाएं, पुलिस कमिश्नर साहब को बुलाएं, LG साहब को बुलाएं, हम सबको बिठा के स्थिति का जायजा लें, और स्थिति तभी सुधरेगी, नहीं तो पुलिस अभी बिल्कुल किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। तो उसको तो हमें सबको मिलके इसको करना ही पड़ेगा, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से जो कुछ भी है उसको हम लोग करेंगे। सर आपने कहा था एक बार कि शीला दीक्षित के टाइम में भी पुलिस नहीं थी दिल्ली के पास, तो आपने हम लोग करेंगे, हम लोग कर रहे हैं, कमजोर नहीं हम करेंगे। पुलिस का केवल एक ही काम रह गया है, हम लोगों के काम में रोज टांग अड़ाना, वो हमारे काम में टांग अड़ाने की बजाय MLA को रोज गिरफ्तार करने की बजाय अगर दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा करना चालू करे तो ज्यादा अच्छा होगा। ओम जी महाराज कितनी सच्चाई बोल रहे हैं इसकी सच्चाई जानना जरूरी है। साथ ही ओम जी महाराज जिस स्टिंग की बात कर रहे हैं उसे भी अब दिल्ली पुलिस को लेकर उन लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए जो ये प्लान बना रहे थे। यदि ओम जी महाराज की बातें झूठ मिलती हैं और वे स्टिंग नहीं दे पाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सनसनी ऑफ इंडिया। अभी बहुत कुछ बाकी है, कहीं जाइएगा मत, हम लौटते हैं बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपका मनपसंद जीवन साथी बस यहाँ मिलेगा, साथी4u.com। जो साथी4u.com पर आए जिंदगी महक जाए। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी, बस लॉगिन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया हर रोज
रात 10:30 बजे सिर्फ जस्ट कवर पर। देश की राजधानी दिल्ली सुरक्षा के लिहाज से सबसे अहम है। यहाँ देश की संसद से लेकर सभी देशों के दूतावास सब हैं और दिल्ली में पूरे देश से लोग अपने निजी और सरकारी कामों के लिए आते हैं और आकर रुकते हैं किसी न किसी होटल में। और दिल्ली का होटलों का हब है पहाड़गंज। पहाड़गंज दिल्ली के बीच में और यहाँ टूरिस्टों की संख्या अधिक होने से घर भी होटलों में तब्दील हो गए हैं। यहाँ होटलों का पूरा हब बन गया है। अब इन होटलों में लोग तो आकर रुकते हैं पर इन होटलों का खुलासा देखकर आप सन रह जाएंगे। सनसनी ऑफ इंडिया इन होटलों की असलियत जानने निकला तो हैरान कर देने वाला वो सच सामने आया जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। देश की सुरक्षा के लिहाज से होटल बिल्कुल संजीदा नहीं है। इस खुलासे में होटल ही नहीं होटल से लेकर पुलिस प्रशासन तक की पोल खुलती नजर आएगी आपको। इन होटलों की असलियत जानने सनसनी ऑफ इंडिया की टीम जस्ट डायल पर मसाज पार्लर पहाड़गंज और पहाड़गंज में जगह जगह पर पब्लिक बाथरूम खंबे टेलीफोन बक्सों पर चिपके मसाज पार्लर के पर्चों पर दिए गए नंबरों के जरिए पहुंची तो सब हैरान। सनसनी ऑफ इंडिया की टीम एक जगह नहीं बल्कि कई होटलों में गई। वहां के हालात तो और भी हैरान कर देने वाले थे। यदि इन होटलों को देखें तो जीबी रोड से भी बड़ा सेक्स का कारोबार ये होटल कर रहे हैं। हमारी टीम पहाड़गंज के कई बड़े छोटे होटलों में गई और ग्राहक बनकर सब जांचा तो हमारी टीम भी हैरान। इन होटलों में चल रहा है देह व्यापार का बड़ा धंधा। सभी तो नहीं पर जितने होटलों में असलियत हमारी न्यूज टीम ने जाननी चाहिए वहां उन्हें मिला जिस्म फिरोसी का धंधा। सबसे पहले हमारी टीम पहाड़गंज के आकाश प्लाजा होटल में गई। वैसे तो ये होटल है पर होटलों में कई तरह की दुकानदारी चल रही है। यहाँ होटल में ही रेल और हवाई जहाज टिकट तक बुकिंग करने की सुविधा है। बकायदा बोर्ड तक इस सुविधा के लिए लगाए हैं। मतलब टिकट बुक कराने वालों को यहाँ के दूसरे धंधों की भी जानकारी दी जाती है जिससे अधिक से अधिक ग्राहक मिल सके। यहाँ हमारे रिपोर्टर ने दलाल का सहारा लिया जो अक्सर इन होटलों के आसपास मिलते हैं।
हमारे रिपोर्टर ने इस होटल में एंट्री की और जब आईडी मांगी तो रिपोर्टर ने आईडी ना होने की बात कही तो दलाल ने कहा कोई बात नहीं और दलाल का इशारा तुरंत होटल का कर्मचारी समझ गया और बिना आईडी के ही अंदर हमारे रिपोर्टर ने एंट्री कर ली। अंदर देखिए छोटे छोटे कमरे जिन्हें आप डेली यूज के लिए भी शायद पसंद ना करें। कमरे रहने के लिहाज से बहुत ही छोटे हैं। कमरों में जगह जगह गंदगी थी, लग रहा था जैसे यहाँ कमरे मात्र मौज मस्ती के लिए ही बने हैं। होटल की आड़ में यहां मिल रही है सेक्स के लिए लड़कियां। हमारे रिपोर्टर ने पूरी सच्चाई देखिए कैसे कैमरे में शूट की और दुनिया के सामने ये सच लाई कि इन होटलों में क्या हो रहा है। बड़ों की छोड़िए कॉलेजों के स्कूलों के लड़के लड़कियां तक यहां आकर रुकते हैं। और कुछ घंटे इन जैसे होटलों के कमरों में बिताते हैं। तीन से पांच हजार रुपए देने के बाद किसी आईडी की जरूरत नहीं, कोई पहचान का खुलासा होने का तनिक भी डर नहीं। अब कमरे का हाल देखकर आप चौंक जाएंगे। आप खुद देखिए कि एक कमरे में चार से पांच तक लड़कियां रखी गई हैं। जी हां, ये कमरा जीबी रोड के कोठे का नहीं बल्कि पहाड़गंज के होटल आकाश प्लाजा का है। देखिए पहाड़गंज के इस आकाश प्लाजा होटल में एक कमरे में पांच से भी ज्यादा लड़कियां। कैसे कोई परिवार के साथ इस होटल में रुक सकता है? साफ है कि होटल की आड़ में असली धंधा यहां भी सेक्स का कारोबार है। यहां देखिए लड़कियां कैसे तैयार भी हो जाती हैं। मैं विजय कुमार दिवाकर अब आपसे लेता हूं विदा। मैं जल्द लौटूंगा एक नए खुलासे के साथ। देखते रहिए सनसनी ऑफ इंडिया, आपका अपना प्रोग्राम, रोज रात 10:30 बजे और अगले दिन रिपीट दोपहर 1:30 बजे। और हाँ दोस्तों, आप भी बन सकते हैं सनसनी ऑफ इंडिया के रिपोर्टर। अगर आपके आसपास हो रही कोई वारदात या आपको है ऐसी किसी वारदात की जानकारी तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9213130221 है और हमारा व्हाट्सएप नंबर 9650854621 इस पर आप दे सकते हैं किसी भी घटना या वारदात की जानकारी।